पिछले लेसन के बाद जो बच्चे अब आए उनको हमने वादा किया था कि हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ शेयर्स। जी हाँ, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स। देखो, जैसे कि आपको तो पहले से मालूम है और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप सबको ये सब चैप्टर आता है, सिर्फ रिवीजन के लिए आए हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि शेयर्स क्या है और शेयर कैपिटल क्या है और कंपनी क्या है। तो इन सब का जवाब कंपनी से मिल जाता है कि अगर आप कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस पता लगा पाए तो आपको आसानी से पता लगता रहेगा कि आगे के क्या जवाब है। ठीक है, कंपनी मैं पार्टनरशिप क्यों नहीं बनाऊं, क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं आप? अगर आप इस बात का जवाब दे सकते हो तो आपको कंपनी समझ में तुरंत आने लग जाएगी। जी हां, मैं आपको जवाब देता हूं, पार्टनरशिप हम इसलिए ना बनाएं क्योंकि अगर पार्टनरशिप आप करते हैं और आप बड़ी मेहनत से उसमें 10 साल 20 साल 30 साल करके एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं, तो क्या वो बिजनेस आप अपनी आने वाली फैमिली को ट्रांसफर करके जा सकते हैं? जब वो ऊपर वाला हमें बुला लेगा और मेरे बाद मेरा कोई फैमिली पर्सन उसको उस बिजनेस को कैरी ऑन कर सकता है? इस बात का जवाब दें। हर इंडियन मेंटेलिटी के हिसाब से अगर बात करूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, हर बाप का बिजनेस उसका बेटा कैरी ऑन करता है। ठीक है, आजकल आधुनिक जीवन में बाप और बेटे जो लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं तो वो कैरी ऑन करते हैं। तो क्या पार्टनरशिप बिजनेस को कैरी ऑन किया जा सकता है? अब तक आप लोगों को जवाब मिल गया होगा, कुछ ने कमेंट भी कर दिया होगा, आइए मैं बताता हूं। जी नहीं, आप पार्टनरशिप बिजनेस को आप ही कंटिन्यू कर सकते हैं लेकिन आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप किसी को नॉमिनेट नहीं कर सकते, आप अपनी जगह किसी को पार्टनर नहीं बना सकते। ये पार्टनरशिप की लिमिटेशन है। तो इसका मतलब है कि आपने मेहनत से काम करा लेकिन आपके बाद आपका बिजनेस, आपकी मेहनत, आपकी फैमिली को, आपके नॉमिनी को ट्रांसफर नहीं होगी। तो इसीलिए लोग पार्टनरशिप नहीं करते, इसीलिए लोग फिर कुछ ऐसा चाहते हैं, कोई ऐसा बिजनेस का कोई मोड चाहते हैं जिससे कि उनके बिजनेस का जो भी एम्पायर है वो उनकी फैमिली को आराम से मिल सके या वो जिसको भी ट्रांसफर करना चाहते हैं वो उसको ट्रांसफर कर सके और बाकी जो पार्टनर्स हैं जिन्हें कंपनी में मेंबर्स बोला जाता है वो ऑब्जेक्ट ना करें उसे। तो इसीलिए कंपनी बनती है, इसीलिए यही रीजन है कि कंपनी बनाई जाती है। ये बात समझ में आ गई आपको? करेक्ट है, ठीक। अब अगर कंपनी ये बनाई जाती है तो कुछ दोस्तों के क्वेश्चन ये होंगे कि सर पार्टनरशिप में ऐसा क्यों नहीं है? तो पार्टनरशिप का लॉ है, राइट्स ऑफ पार्टनर्स, राइट्स ऑफ पार्टनर्स में हर पार्टनर के पास राइट है कि वो किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन को मना कर सकता है। तो जब आप पार्टनर्स अपने बदले में लाना चाहते हो तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो मना करते हैं तो फिर वो कैसे आ जाएगा? और फ्यूचर तो मालूम नहीं ना कि आज जो पार्टनर हाँ कह रहा है कल को मानेगा नहीं मानेगा उस समय पर। तो इसलिए ये खतरा पार्टनरशिप में बना रहता है, इसीलिए कंपनी आती है। अब सवाल है कंपनी बनती कैसे है? तो दोस्तों, कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले आप नाम चुनते हैं, उसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA से आप रजिस्टर्ड कराते हैं, उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करते हैं, AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करते हैं जरूर, और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अपना KYC पूरा करते हैं। डायरेक्टर्स को MOA में और AOA में लिया जाता है, कंडीशंस बनाई जाती हैं और उसके बाद उनकी फाइलिंग प्रोसीजर होता है जो आपके कोर्स में नहीं है इसलिए मैं इसे बता रहा हूं। इसके बाद आपकी कंपनी का जो है नाम रजिस्टर्ड हो जाता है, कंपनी अगर जो वहां का कंपनी रजिस्ट्रार है अगर उस नाम को देने में उसे कोई दिक्कत नहीं है तो वो आपको नाम दे देता है, कंपनी आपके नाम रजिस्टर्ड हो गई है क्योंकि टाइटल के टाइम पर ही ये नाम का वेरिफिकेशन हो गया था, अब कंपनी बन गई है। अब कंपनी में जो डायरेक्टर्स हैं उनका अपना पर्सनल पैसा लगा हुआ है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, अब कंपनी कई तरीके की होती है, ठीक है, अगर ब्रॉडवे में बोलूं तो कंपनी दो तरीके की होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है और एक पब्लिक कंपनी होती है। आप इसके अलावा कई तरीके की कैटेगरीज बनाए जा सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, नॉन चार्टर्ड कंपनी, ठीक है, कई तरीके की कंपनीज को आप बना सकते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनीज, तो कई तरीके की कंपनीज हो सकती है। फिलहाल अभी मैं मानकर चल रहा हूं कि आप ये माने कि कंपनी क्या है, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड क्या कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड क्या कंपनी है? देखिए,
जब कंपनी में सिर्फ दो डायरेक्टर्स होते हैं और वो पब्लिक से पैसा नहीं लेना पसंद करते, वो कहते हैं हम पब्लिक से पैसा नहीं लेंगे, हम अपने पैसे से ही बिजनेस को चलाएंगे, तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं बनाएंगे, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे। और जब डायरेक्टर्स का पहले से माइंड है कि वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करेंगे और उस पैसे से फिर बिजनेस को चलाएंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा वो उन सब में बांटेंगे जो उस सबके मालिक हैं, यानी वो भी और जिनसे पैसा लिया था वो भी उस कंपनी के मालिक हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा जो दिया है वो लोन पर नहीं दिया है, उन्होंने कहा है कि बिजनेस करो प्रॉफिट कमाओ तो हमें भी दे देना, तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में यहां पर डायरेक्टर्स दो नहीं होंगे, ठीक है ना, यहां पर 7 डायरेक्टर्स होंगे। कितने होंगे? 7। और जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? जो मेंबर्स जितने मर्जी बन सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं होती है मेंबर्स की, ठीक है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपके कोर्स में पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही है, आपके कोर्स में पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही है, आपके कोर्स में पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैसे शेयर्स को इशू करेगी, कैसे उसकी जर्नेंटीज बनती है, ये आपके कोर्स में है, तो ये अब हम सीखने वाले हैं। आइए इसे नेक्स्ट लेसन में हम ये सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तब तक आप इस थ्योरी को पूरा करेंगे। नंबर 1, कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। नंबर 2, कंपनी की क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं। नंबर 3, कंपनी के टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या है, ठीक है। ये चीज आप, ये 3 क्वेश्चन आप जरूर पूरा कर लीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, और नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं शेयर कैपिटल। क्या है शेयर कैपिटल, कितने टाइप की शेयर कैपिटल होती है, और उसको बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। बाय बाय।